राम राम दोस्तों, हर हर एम मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर रहा हूँ अनार के पौधे की कटिंग। तो इसके लिए एक सार्प चाकू लिया मैंने, इसकी थोड़ी धार लगा देते हैं। एकदम तेज़ धार करनी, इसके ऊपर जंग वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर जो भी ज़मीन से सटी हुई टालियाँ हैं उनको काट लेंगे। इस टहनियों को काटने से इस पर ज़्यादा जीवाणु अटैक नहीं करेंगे और ये ज़मीन पर टिकी रहेगी। तो इसमें बरसात के मौसम में जीवाणु ज़्यादा जाते हैं, तो टहनियों को बहुत सावधानी पूर्वक काटें। ऐसा नहीं हो कि सामने वाली टहनी के टस हो जाए साकू या सांप कटर से काटे। मेरे पास कटर भी है लेकिन मैं स्टील वाले साकू से काटता हूँ, इसमें जंग नहीं लगता है। और एकदम तेज़ धार करके फिर काटता हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके जो भी टहन या ज़मीन से टस है उन सभी को काट लूँगा। तो फटाफट इनको काट लेते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। बरसात के मौसम में पौधों को जैसी कैनोपी दोगे वैसा ये रूप लेंगे। जो भी नीची टहनियाँ इसको निकाल लेंगे तो बाकी टहनियाँ जल्दी से बढ़कर बड़ी हो जाएगी, नहीं तो आधी एनर्जी ये वेस्ट कर देंगे और पौधों की बढ़वार कम होगी। तो जो भी ज़मीन टस्तार लिया उन सभी को मैं काट रहा हूँ बहुत ही सावधानी पूर्वक। एक पौधा और भी है उधर, उसकी भी कटिंग करेंगे, पहले इसकी कर लेते हैं। तो इसकी लगभग सभी कटिंग हो गई है। पौधे को लगभग एक फीट से 10 इंच तक बिल्कुल साफ रखना चाहिए नीचे। तो ये है मेरा दूसरा पौधा, अब इसकी कटिंग करता हूँ मैं फटाफट। इनकी टहनियाँ जो काट लेता हूँ, पौधे को लगभग एक फीट तक बिल्कुल साफ रखना चाहिए और सारों और थाला बना के पेड़ के पास मिट्टी से थाला बना देना चाहिए, जैसे पानी एकटा नहीं हो। पानी हमेशा साइड में देना चाहिए और एक जगह नहीं डालना चाहिए, नहीं तो गड्ढा हो सकता है और जड़ें निकल सकती है। अभी इस पौधे में तो बहुत सारे फूल आए हुए हैं लेकिन फल नहीं लगे अभी। अभी ये छोटा है तो इस साल फूल आएंगे वो भी तोड़ लेंगे, अगली साल इसमें फ्रूटिंग होगी। ऊपर जो भी सूखी टहनियाँ हैं उनको भी हटा लेना चाहिए तेज़ धार वाले साकू से। दोस्तों, आप किस प्रकार अनार के पौधों की कटिंग करते हैं? मेरे घर में तो दो ही पौधे हैं, ज़्यादा खेती नहीं है मेरी अनार की, ना मुझे अनुभव है। अगर इनको इस समय कौन सी दवाई देनी चाहिए आपको जानकारी हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। और आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल सदैव तले के घंटी का बटन दबा के ऑल पे सेट कर देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।